गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल नानू के छोड़ने के लिए। कहाँ पे? हाँ तो नानू के साथ क्यों नहीं जाता? नानू के साथ क्यों नहीं जाता बता ना। नानू के साथ क्यों? नानू जा यार। अच्छा रुक, आ रहा हूँ। और नहीं स्टार्ट होगी ये, पीछे हो जा तू। मैंने बोला पीछे हो जा लड़के, सुन ले मेरी बात। शिवा उतर जा। शाबाश मेरा बच्चा। पहले तो हम दोनों की तरफ से प्यारी सी गुड मॉर्निंग। हाँ तो अभी अभी मैं जा रहा था गोपी को छोड़ने के लिए। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बाइक की देखना, हमारी बाइक भी बोलती है, ये भी बोलती है प्यार ले तो। बाइक नहीं, बाइक थोड़ी है ये, पापा की रानी है ये। पापा की रानी बोलो गुड मॉर्निंग। देखा गुड मॉर्निंग, बोलो कैसे हो? ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हो? मार्केट। अच्छा तो आप किसकी रानी हो? ओ, ये तो बंद होगी पापा की रानी। रानी फिर से बताओ आप किसकी रानी हो? ओ ये बंद होगी फिर से। ये बंद हो जाती है बेचारी, ये बता रही नहीं है ये किसकी रानी है। पापा की रानी में बिल्कुल दम ही नहीं है। मैं आई बंद हूँ। वो ऐसे नहीं बोलिए, ये बंद हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। बाह में रानी, तू चल मेरी रानी, तू चल। रानी में बड़ा दम है। पापा की रानी में बहुत दम है। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी 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 जल्दी, लेट हो गया, लेट हो गया। चल 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 चल, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। फैन तो बंद कर देना था। I'm standing on the edge of a cliff, realize there must be more. नहीं आज नहीं जाना घर पे। आज जाना है घर पे? नहीं जाना, नहीं जाना। दुबा आज रहा मेरे पास, आज रहा मेरे पास। नहीं आज मेरा मैंगो खाना, मैंगो ये ले दे इसको, थोड़ा सा दे दिया। अच्छा ले खाओ मा बच्चा। दुबा तू रहा मेरे पास, आज मेरे पास रहा। ओहो हो खटा। ये किसने है पाउडर तूने मुंह पे लगा लिया पूरा? शिवा ने पूरा पाउडर लिया तो पूरा मुंह में लगा दिया। हमारा लेडी छोटा देख लो कितना क्यूटिश है, इसने नहीं लगाया। मैं ये देखो पंडित, अम्मा ने बनाया प्यारे प्यारे पकौड़े। दीदी ने रखा हुआ व्रत, तभी दीदी खा रही है व्रत वाले पकौड़े। सिस्टर जा रही है वापस अपने अपने घर, मैं अभी सिस्टरों को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। दो दिन उन्होंने बड़ी रौनके लगा के रखी है, अभी इनकी रौनके सारी इनके साथ जा रही है। अब मैं और मम्मा और पापा अकेले रह गए, और पापा भी जा रहे हैं आज वापस, तो मैं तो मम्मा वापस फिर से अकेले रह गए। की हरकतें अभी भी चल रही हैं। ये देखो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? ये बैलून इसका गंदा हो गया था, इसको धो रही है। गाड़ी को करते हैं स्टार्ट, जल्दी से जाना है मेरे को, अभी वापस भी आना है तो जाना तो आना। तो बड़ी सिस्टर भी जा रहे थे अपने घर पे। डाल डाल सीट बेल्ट, बिना सीट बेल्ट के तेरे को पता बच्चे ए बस ऐसे बस सीट बेल्ट डाल गई। चल ए पीछे नहीं, इसको आगे, तू पीछे, तू आगे नहीं जाएगा ऐसे बस। कैसे आता रोना यार, जब मम्मा पापा को छोड़ के जाओगे ना तो तब रोना आता। तो ये सही बात बोली है, लड़के भी तब रोते हैं जब अपनी बहनों की शादी होती है। मैं भी बड़ा रोया था, तेरे को पता गुगू, जिस दिन शादी हुई थी ना मेरी बहन की, मैं बड़ा रोया था। ओहो इतना रोया मैं। और दीदी को छोड़ते हैं हम इधर ही, गुगू दीदी उतरते हैं यहाँ पे। तो मैं तो मेरी छोटी सिस्टर जा रहे हैं, तो साथ में जाना दूंगा। मैं नहीं बैठूंगा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ गुगू बोल रही है आज हमने बहुत कुछ करना है, आज हमने बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, आज हमने बहुत सारे चैलेंज करने हैं। आपको नहीं बताएंगे गाइस, ये आपके लिए सरप्राइज होने वाला है। ठीक है बाय। रानू मासी को रोना ही बड़ा आता, क्या करे रानू मासी को। रानू मासी तू चुप हो जा, तेरे साथ तेरा भाई जा रहा है, तो टेंशन। To life than this, reaching for the stars, traveling so far, like a drag. दीदी के घर पे मैं पहुंच गया था, अब मैं जा रहा हूँ वापस। छोड़ने का दिल तो नहीं कर रहा बच्चों को, मैं जा रहा हूँ दुबा, बाय करो फिर, बाय किचू करो एक फिर किचू ए। तो गाइस दीदी को मैंने घर छोड़ दिया, दीदी अभी उदास हो गए हुए थे बड़े ज्यादा, तो उदासी मतलब उदास होना बनता भी है यार, इतनी देर के बाद वो मायके आए थे। तो आपको पता कि दीदी मेरे से ना 7 साल बड़े हैं, तो दोनों दीदी मेरे से बड़ी हैं।
तो यार आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो यार सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। मैं छोटा हूँ सबसे। गाइस डेली ब्लॉग अपलोड करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से डेली ब्लॉग अपलोड होते हैं मेरे लिए। तो मतलब कि मैं तो अभी एक यूट्यूबर ही समझ सकता है कि डेली ब्लॉग अपलोड करना कितना मुश्किल होता है। ब्लॉग्स बनते नहीं है, कंसेप्ट आता नहीं है भाई आपका, फिर भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है यार। बस किसके लिए? कि ताकि आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊं, आप मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर पाओ और अपने भाई को बस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। बनी का बेस्ट एरिया माना जाता है ये वाला आर्मी एरिया। सल्यूट है यार आर्मी वालों को। देखो यार एक तो कितना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है इन्होंने, रोड को पूरी नीट एंड क्लीन रखी हुई है, पूरी रोड इन्होंने नीट एंड क्लीन रखी है। देन उसके बाद देख लो पूरे प्रॉपर इन्होंने बैरियर लगाए हुए हैं कि स्पीड से मत चलें। पूरा इन्होंने मतलब कि यहाँ पे इन्होंने पूरे सिग्नल दिए हुए हैं कि स्पीड से मत चलें। स्पीड ब्रेकर इन्होंने जगह जगह पे बनाए हुए हैं। जितनी अगर ये सुंदरबनी की थोड़ी सी जगह आती है ना ये वाली, तो इतना मन खुश होता है ना। इन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ लगाया हुआ है। सल्यूट है यार आर्मी वालों को भी। अभी हम जा रहे हैं, दीदी बोल रहे थे कूलर देखना। अभी हम जा रहे हैं कूलर देखने के लिए CST कंटीन में। तो दीदी और साथ में दूसरी दीदी भी हैं और साथ में हमारे साथ रिदू भी है। तो अभी निकलते हैं घर से कूलर देखने के लिए, पर यहाँ पे तो गाड़ी जा ही नहीं सकती, आगे बंद कर दिया हुआ रास्ता। अभी हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं कंटीन। रिदू ने ये वाला कूलर सेलेक्ट किया है, अब इसे चला के बताएंगे भैया हमें। अभी लाइट नहीं है, लाइट आती है फिर देखते हैं, चलाते हैं इसको, इसकी हवा कैसी है। दूसरे वाले भी थे पर दूसरे वाले अभी पसंद नहीं आए, यही वाला पसंद आया। चेक करते हैं इसकी हवा। कूलर तो ये दो भी पड़े हुए हैं, पर भैया बोल रहे हैं इनकी ना थोड़ी सी बॉडी जो है ना वो थोड़ी नॉर्मल है, उसकी जो बॉडी थी वो वाली हार्ड है, तभी हमने वो वाला पसंद किया। तो अब देखते हैं। बारिश तो हुई नहीं है बट मौसम ठंडा कर दिया है। हमने ले लिया, अब ऑटो में आएगा कूलर, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। तो बोल रहे शाम को जब बारिश रुकती है तब हम ऑटो में कूलर भेज देते हैं, फिर हम उतार देंगे करके।